There are 843 bees in the hive. हाई में बेटा कितनी है मधुमक्खी की जो छत्ता है बीज कितनी है उसमें कितनी मधुमक्खियां हैं 843 है 108 मोर बीज फ्लू इनटू द और क्या है बेटा उड़कर और आ गई 108 मोर बीज मधुमक्खियां और मधुमक्खी के छत्ते पर आ गई. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द बीज इनटू द हाइव नाउ. अब कितने है बेटा कितनी बीज है हाइव में ठीक है ना कितनी मधुमक्खियां हाइव में है अब ठीक है ना. नंबर ऑफ बीज 843 एंड 100 मोर बीज और आ गई 108. अब व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द बीज इन टू द हाइव नाउ. अब इसमें कितनी है अब हमें क्या करना है बेटा प्लस करना है. 8 एंड 3 कितने हुए हाउ मेनी टोटल नंबर बेटा 8 एंड 3 8 नंबर इन कीप इन माइंड एंड 3 नंबर काउंट ऑन फिंगर 1 2 3 बेटा नीचे से काउंट करना है 1 2 3 ठीक है. 8 एंड 3 जो हमने माइंड में रखा 8 नंबर कीप इन माइंड एंड 3 नंबर काउंट ऑन फिंगर 1 2 3 8 9, 10, 11. 11 का बेटा क्या है 1 कैरी ओवर 1 इन टेंथ प्लेस. 4 एंड 0 बेटा क्या आएगा जब हम किसी भी नंबर को 0 से प्लस करते हैं तो नंबर ही आता है. ओके 0 को हमने 0 को 4 से प्लस किया तो क्या है 4. 4 एंड 1 5. अब हमें क्या करना है एट द 100 प्लेस 8 एंड 1 कितना बेटा 9. ओके सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. देयर आर 446 girls and 388 boys in a school. How many students are there in all? There are वहाँ पर हमारे there are 446 बेटा स्कूल के अंदर क्या है 446 girls है और 388 boys है. अब बताइए how many कितने students है total कितने students है आपके स्कूल में ठीक है. अब देखिए वंस टेंस हंड्रेड नंबर ऑफ गर्ल्स 446 एंड नंबर ऑफ बॉयज 388 हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ऑल. टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं बेटा अब हम प्लस करेंगे 8 एंड 6 कितने हुए बेटा हाउ मेनी टोटल नंबर 8 नंबर कीप इन माइंड 6 नंबर काउंट ऑन फिंगर 1 2 3 4 5 6 जो हमने माइंड में रखा है उसे हम वापस लेंगे टेक 8 8 के बाद क्या आएगा बेटा 8 आफ्टर 9 10 11 12 13 14 14 का 4 कैरी ओवर 1 इन 10 प्लेस 8 एंड 4 कितना बेटा बेटा अब क्या करना हमें 10 प्लेस कॉलम जो 10 कॉलम है उसे हमें प्लस करेंगे 8 एंड 4 12 12 एंड 1 13 13 का 3 कैरी ओवर 1 इन 100 प्लेस. अब हमें क्या काउंट करना है बेटा 4 एंड 3 को करना है 4 एंड 3 7 7 एंड 1 8. ओके समझ में आ गया बेटा. अब कितने हैं टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं बेटा 834 स्टूडेंट्स. ओके अब देखिए नेक्स्ट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. देयर आर 286 रेड बीड्स एंड 349 ग्रीन बीड्स एंड 142 पर्पल बीड्स इन आ नेकलेस. जो बेटा ये नेकलेस बना हुआ है इस नेकलेस में क्या है कितनी कितनी बीड्स है ये आप देखो इसमें कितनी है 286 तो रेड बीड्स हैं ठीक है और 349 ग्रीन बीड्स हैं जो ये ग्रीन बीड्स लगी हुई है एंड 142 पर्पल बीड्स लगी हुई है. इसमें कितनी लगी हुई है 142 बीड्स लगी है नेकलेस में. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बीड्स इन द नेकलेस. वंस टेंस मेंशन करेंगे बेटा नंबर ऑफ रेड बीड्स 286 एंड नंबर ऑफ ग्रीन बीड्स 349 नंबर ऑफ पर्पल बीड्स 142. अब हमें बताना है टोटल बीड्स कितनी है ठीक है इस नेकलेस में. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द बीड्स इन द
नेकलेस। ओके, अब हम इन्हें क्या प्लस करेंगे, 286, 349 एंड 142 को हम प्लस करेंगे। सी बेटा, एट द वंस प्लेस, वंस प्लेस में क्या है बेटा, 6, 9 एंड 2 नंबर्स हैं। अब जो सबसे बड़ा नंबर है उसे हम क्या रखेंगे, माइंड में रखेंगे, और जो छोटा नंबर उनको फिंगर्स पर काउंट करेंगे, कि 9 नंबर कीप इन माइंड एंड 6 नंबर काउंट ऑन फिंगर, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 2 नंबर, 1, 2। ठीक है, जो हमने माइंड में रखा उसे हम वापस लेंगे, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 का 7 कैरी ओवर 1। ओके, एट द टेंस कॉलम, टेंस कॉलम में कौन कौन सा नंबर है, 8, 4, 4 एंड 1। जो बड़ा नंबर है उसे हम माइंड में रखेंगे, 8 नंबर कीप इन माइंड एंड 4 नंबर काउंट ऑन फिंगर, 8 नंबर कीप इन माइंड, 4 नंबर काउंट ऑन फिंगर, 1, 2, 3, 4। फिर बेटा 4 नंबर को हमें फिंगर पर ही काउंट करना है, 1, 2, 3, 4 और 1 को 1। ओके, अब हमें जो माइंड में रखा उसे हम वापस लेंगे, टेक 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 का 7 कैरी ओवर 1 इन 100 प्लेस। अब हमें क्या है, एट द 100 कॉलम, 100 कॉलम को बेटा प्लस करना है, 3, 2, 1, 1, 3 एंड 2 कितना हो बेटा, 5, 5 एंड 1, 6, 6 एंड 1, 7। ओके बेटा, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बीट्स इन द नेकलेस, 777। ओके, कितनी बीट्स हुई बेटा उसमें, टोटल बीट्स कितनी है, 777 बीट्स। ओके बेटा, अब आपको क्या करना है बेटा, ये चेक करना है, ठीक है, ये होमवर्क दिया था, अगर आपने कर लिया तो बेटा वेरी गुड, अदरवाइज नहीं किया तो आपको ये चेक करना है, ठीक है, और बेटा ये वाले भी चेक करने हैं आपको, ठीक है। ये बेटा आपकी एक्सरसाइज बिल्कुल कंप्लीट हो गई है, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा एडिशन बेटा, ठीक है। एडिशन में देखो बेटा, ये सभी थे, ये मैंने आपको 1 डिजिट वाला कराया है, 2 डिजिट वाला हो गया अपना, और 3 डिजिट नंबर वाले हो गए, ठीक है, और 3 डिजिट के पास में बेटा 3 डिजिट नंबर विद कैरी वाले हैं। अब आपको बेटा एडिशन विदाउट कैरी और विद कैरी वाले अच्छे से आने चाहिए, आपको अपने घर पर डू प्रैक्टिस मैनी टाइम बेटा, ओके, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। और बेटा आपको प्लस इस तरह से तो करना आता ही है बेटा, लेकिन आपको प्लस कैसे करना है, देखो बहुत आपको ये घर पर इतने अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए, जैसे 4 एंड 3, 7 आपको बेटा बिना काउंट किए हुए आना चाहिए। ये कैसे होगा बेटा, मोर प्रैक्टिस से, ठीक है, आपको काउंट करने की जरूरत नहीं होगी, देखो आप फटाफट कर सकते हैं, जैसे 9 एंड 6, 15, 3 एंड 2, 5, 4 एंड 4, 8। ये प्रैक्टिस कैसे होगी बेटा, जब आप बार बार घर पर इस चीज की प्रैक्टिस करेंगे, और आपको ऐसे ही एडिशन आने चाहिए, देखो बेटा वो बहुत इजी हो जाएगा, अगर आपको इस तरह से काउंट करना आ जाएगा, 8 एंड 2, 10, 10 का 0 कैरी ओवर, तो आप बहुत सिंपल वे में कर देंगे, काउंट तो करना है आप करेंगे ही बेटा, अगर हम विदाउट काउंट, जैसे मान लो वैसे ही अपन को आता है, 8 एंड 2 आपको पता होना चाहिए 10 होते हैं, अब मान लो मैं आपसे कहूँ बेटा 8 एंड 4, 12, तो ये कैसे होगा बेटा, मोर प्रैक्टिस से होगा, आपको एडिशन की बेटा इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है घर पर, ठीक है। बार 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 बेटा अपने मम्मी पापा से आप बोलेंगे कि हमें आप एडिशन दे दीजिएगा, आप रफ कॉपी पर बार बार इसे करना है, ठीक है। ये बेटा आप अपना टैली कर लेना, मैं आपको इसकी फोटो भेज दूंगी, आपको टैली करना है, और अपनी नोटबुक में बेटा सुंदर सुंदर आपको ये वर्क करना है, ओके, क्लास वर्क और एंड होमवर्क डाल देना है, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा।